गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चली हुई है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ चीजें हमें देखनी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। कल अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, तो पहले आप उसे देख लीजिए, इंट्रोडक्शन है। उसके बगैर आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी कौन सा लिगेंड है कौन सा क्या है। अब कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी तो उन्हीं के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं आपको आगे इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा कोऑर्डिनेशन नॉर्म। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब? तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड विच डायरेक्टली बाउंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड विच डायरेक्टली बाउंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है वो समझ, तो इसका मतलब समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हमें जरूरत पड़ेगी और उन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है। जैसे आपको एक कंपाउंड दे रखा है CONH3 6, टू पॉजिटिव, ये एग्जांपल दिया हुआ है। और आपसे कहा जाए भाई इस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एक चीज आप देखेंगे कि इसमें कम से कम 6 NH3 मॉलिक्यूल्स CO के साथ डायरेक्टली अटैच है। इसके अंदर 6 NH3 मॉलिक्यूल CO के साथ डायरेक्टली अटैच है। और तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। अगर हम इसमें और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिया CO C2O4 की थ्राइस 3 नेगेटिव, तो इसे कैसे लिख सकते हो? एक्चुअल में जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। आप कहेंगे सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 6। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कंफ्यूजन्स बनती हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ज्यादातर में तो आप ये पता लगा करके कि कितने लिगेंड इसके साथ अटैच है, उससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं कितने लिगेंड उसके साथ अटैच। लेकिन ये वाला केस हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्वेश्चन वहीं से आएगा। एक्चुअली जब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, आपको इस तरह कोई एग्जांपल दे रखा होगा। अगर आप इसका नंबर ऑफ लिगेंड्स देखें तो उसमें 3, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लिगेंड बाइडेंटेट है या मोनोडेंटेट। अगर कोई लिगेंड बाइडेंटेट है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कम से कम कितनों के साथ अटैच होगा जाकर के। अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो कम से कम दो के साथ, मतलब दो बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो तीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, थ्री बनाएंगे, सिक्स। तो इसका मतलब क्या, उसका कॉम्बिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, सिक्स। कुछ ऐसे लिगेंड्स भी मैंने कल आपको एग्जांपल बताए थे जिसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड भी एक हमारा था। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड मतलब क्या है, जो कितने बॉन्ड बना सकता है, सिक्स बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है अगर वो सिक्स बॉन्ड बना सकता है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पर उस मेटल आयन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिक्स होगा। ठीक है, तो जो कुछ डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो जिसकी डेंटिसिटी जितनी रहेगी उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिगेंड की डेंटिसिटी डाइडेंटेट होते हैं, कुछ बाइडेंटेट होते हैं, या कुछ कैसे होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, कुछ हेक्साडेंटेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं ना कहीं डेंटिसिटी पे भी डिपेंड करता है। और वो आप पहले वाले, जो पहला वाला आपने चैप्टर पढ़ा था, पहले वाला चैप्टर मतलब ये है, मतलब कि जो पहला आपने वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। अब देखो, बहुतों के माइंड में एक चीज और भी आ रही होगी, उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको दे रखा CONH3, CN, ये दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है? तो देखो, अगर किसी के अंदर, देखो इसमें क्लोरीन दे रखा आपको, तो क्लोरीन आप जानते हैं एक ही तो इलेक्ट्रॉन दे, क्लोरीन ही तो है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसमें नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही एटम है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन देने वाले एक ही एटम, तो क्लोरीन भी मोनोडेंटेट हो गया और अमोनिया भी मोनोडेंटेट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इसका आएगा सिक्स, फोर और टू सिक्स। और एग्जांपल लिया आपने NiCO4, CO यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है ना कि कोबाल्ट, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, फोर। इसका कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, सिक्स। CO EDTA 4 EDTA, खाली EDTA दे रखा। इसका कितना आएगा, सिक्स, क्योंकि EDTA कैसा होता है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले। अब आते हैं नेक्स्ट, किसी एग्जांपल को लेते हैं। दो एंटिटी आर एनक्लोज्ड into the square bracket in a coordination compound these are called as coordination entities। जो एंटिटी एनक्लोज्ड होंगी कहां, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसे क्या कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो जो एंटिटी एनक्लोज्ड है, इसका मतलब क्या, जैसे कि यहां पे दो लिगेंड एनक्लोज्ड है, ये सेंट्रल मेटल आयन एनक्लोज्ड है, इसके अंदर बंद है, तो इन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, इन सभी को मिला करके आप कहेंगे इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी तीनों को
मिलाकर के क्या कह रहे हैं, इस तीनों क्या है अब हमारे लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट विच एनक्लोज्ड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दीज आर कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज्ड करता है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को, इसे क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसे क्या कहेंगे हम, इन सबको मिलाकर के कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। उसके बाद है, कहीं कहीं कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसे लिखा है, इसे क्या कहते हैं हम, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या होता है, द नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर मैं काउंटर आयन के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूं क्या चीजें होती हैं। काउंटर आयन की अगर हम बात करते हैं दो तरह के काउंटर आयन होते हैं, एक होता है नेगेटिव काउंटर आयन दूसरा होता है पॉजिटिव काउंटर आयन। अगर हम नेगेटिव काउंटर आयन की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं नेगेटिव काउंटर आयन, जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा, तो इसे ये जो आउटसाइड मतलब कि एक चीज आपको याद रखनी है, जो नेगेटिव काउंटर आयन है वो हमेशा कहां होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से राइट हैंड साइड में। लेकिन जो पॉजिटिव काउंटर आयन होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख भी रखा है, वो हमेशा कहां होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नेगेटिव काउंटर आयन होता है वो प्रेजेंट होता है कहां, आउटसाइड, मतलब कोई भी काउंटर आयन है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव काउंटर आयन है वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और जो पॉजिटिव काउंटर आयन है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। तो काउंटर आयन आपको पता चल गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पता चल गया। अब इसमें एक चीज और है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल,
एक होता है नेगेटिव ली चार्ज, नेगेटिव, और एक होता है पॉजिटिव। तो बात करते हैं न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें ज्यादा चीजें ना बताती हूँ, मुझे बस आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करनी है कि कौन सा न्यूट्रल काउंटर आयन होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। अगर मैं न्यूट्रल काउंटर आयन की बात कर रहा हूं तो न्यूट्रल काउंटर आयन की अगर हम बात करते हैं, काउंटर आयन नहीं सॉरी, अगर हम न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, दे रखा है ये कैसा है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। अगर आपने कोई एग्जांपल ऐसा ले लिया, K4 Fe CN6, तो एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव काउंटर आयन होगा वो नेगेटिव काउंटर आयन होगा, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, समझ लिया NiCl4 2-, तो ये भी कैसा है, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव काउंटर आयन हो तो वो कैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया था CO NH3 6, और यहां पे ले लिया आपने Cl, या आपने कोई एग्जांपल ऐसा लिया है Ni, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या उसके ऊपर नेगेटिव काउंटर आयन हो, नेगेटिव काउंटर आयन हो या याद रखना अपोजिट होता है, अगर नेगेटिव काउंटर आयन है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव है, अगर कोई भी किसी के अंदर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा, नेगेटिव है। जैसे कि या तो उनको वो नेगेटिव चार्ज ही मिल जाए आपको, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उनके पास काउंटर आयन रहें और जो काउंटर आयन आपको दे रखे हैं वो कहाँ रहे, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे इसमें दे रखा है या ये वाला दे रखा है, दोनों कहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कहाँ है, बाद में। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान देने पता चल रहा है कि वैसे तो इसमें काउंटर आयन कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन काउंटर आयन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें जो काउंटर आयन है वो कौन सा है, पॉजिटिव, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा रहेगा, नेगेटिव। फिर आते हैं हम एक और चीज है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इट इज ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू मेक ए डेफिनेट ज्योमेट्री। ये एक तरह का स्पाइरल अरेंजमेंट, मतलब स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसमें लिगेंड इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं कि जिससे डेफिनेट ज्योमेट्री बन जाए। इसका मतलब क्या है ये आप समझने की कोशिश करो। देखो जो स्टूडेंट्स ने, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक की वीडियोस देख रहे थे, तो ऑर्गेनिक की वीडियो देखते टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट में, जैसे कि उसमें हेलो एल्केन और हेलो एलिन वाला चैप्टर नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। बाकी मैंने कोशिश की कि अमाइंस, एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एलिन में ही SN1 और SN2 रिएक्शन आती है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसे शुरू से ही लेकर के चले। अगर आपने एक वीडियो मिस
मिस कर दिया है इसका, तो आपके सामने दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि हर एक वीडियो पे उतनी इम्पोर्टेंस है जितने की, मतलब हर एक वीडियो की इम्पोर्टेंस है इसमें। और मेरे हिसाब से अगर आपको 40 या 45 मिनट का वीडियो हम दे रहे हैं तो वो तो आपको कम से कम देखना चाहिए रोज, क्योंकि अगर आप उसे रोज नहीं देख पा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं सर हमें 3 या 4 दिन का गैप दीजिए फिर हमारे पहले वाले वीडियोज रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लापरवाही है। क्योंकि मैं इस चीज को खुद अनुभव करके देख रहा हूँ कि क्या मैं 45 मिनट का या 1 घंटे का वीडियो देख पाता या नहीं देख पाता। तो मैंने देखा है जनरली एक चीज देखी है कि 1 घंटे की वीडियो, ये नहीं है कि आप और सब्जेक्ट के देखते होंगे, मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 घंटे की वीडियो देखने के बाद कि क्या हम उन्हें नोट डाउन कर पा रहे हैं, तो मैंने देखा उन्हें नोट डाउन भी हम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे आपके लिए वीडियो भी बनाने हैं और इसके लिए पढ़ाई भी करनी है और अपनी भी पढ़ाई करनी है। जब मैं वीडियो देख सकता हूँ तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वॉच कर लें जिससे कि आपके सिलेबस मेंटेन उसमें रहे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सबसे अभी एंड में चल रहा, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि सभी का सिलेबस हमसे आगे है और हमारा सिलेबस ही कहाँ है सबसे पीछे। मैं आपको हर एक वीडियो का हर एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको बाद में दिक्कतें ना आए, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होते हैं अगर हम रिवीजन भी ले तो आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो हम डेफिनेट ज्योमेट्री में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, देखो जब आप आगे इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कोई मॉलिक्यूल कैसा है ऑक्टाहेड्रल है, कोई कैसा है टेट्राहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये सभी क्या होती है ज्योमेट्री होती है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं VSEPR थ्योरी में, वहां आपने पढ़ा था स्क्वायर प्लेनर के बारे में, वहां पे आपने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल के बारे में, वहां पे आपने पढ़ा था किसके बारे में टेट्राहेड्रल के बारे में। अगर आपको नहीं पता कि ये डेफिनेट ज्योमेट्री मतलब क्या है तो उसे आप पहले पढ़ ले फिर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो लिगेंड्स एक स्पेसिफिक मैनर में क्या होगी अरेंज हो गई, होने को तो कोई कैसे अरेंज हो सकता था, ऐसे ही अरेंज हो सकता था, लेकिन लिगेंड ने क्या किया है अपने आप को एक स्पेसिफिक मैनर में क्या किया अरेंज किया है, इसी को क्या कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अगर बहुत सारे आप मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो बहुत सारे अरेंजमेंट देखेंगे, तो मैंने एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाया किस तरह से लिगेंड अरेंज करते हैं अपने आप को, इस तरह से अरेंज नहीं करना, इस तरह से एक रेगुलर मैनर में क्या करना अरेंज करना है, इसी को क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में क्या कर रहा है एडजस्ट कर रहा है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नेक्स्ट वन है होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरा कौन सा होता है हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंस क्या है, होमोलेप्टिक जैसा कि नाम है होमो का मतलब क्या होता है एक जैसे सेम, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स मतलब क्या है जैसे आपको दे दिया NiCO4, तो ये कैसा हो गया होमोलेप्टिक, क्योंकि इसमें सभी लिगेंड कौन से हैं सी, और कौन से होंगे दोज लिगेंड्स दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के क्या होते लिगेंड होते, जैसे कि NiCl2
यार। तो इसके अंदर आपने देखा है दो तरह के लिगेंड, एक क्लोरीन और एक कौन सा है ब्रोमीन। तो इसे क्या कहेंगे आप, हेटरोलेप्टिक, यानी जिसमें एक तरह के लिगेंड होते हैं उसे आप होमोलेप्टिक कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होते हैं उसे हम हेटरोलेप्टिक कहते हैं। इसके बाद मैं एक टेबल आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ये टेबल इस चैप्टर का बेसिक है। अगर आपको ये टेबल नहीं आती, अगर आपको ये टेबल नहीं आती तो आप ये भूल जाइएगा कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर आ जाएगा। ये चैप्टर आपको कैसे भी नहीं आ सकता अगर आपको ये टेबल नहीं आती। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये टेबल की क्या इंपोर्टेंस है इस वाले चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले नीम, दूसरा इसमें लिखना है स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, तीसरा है चार्ज, इस चार्ज वाले पोर्शन को जरूर याद रखना बहुत ही काम आने वाला। फिर है नेम एज ए लीगेंड, और लास्ट में है डेंटिसिटी। ये सभी पॉइंट्स आपको आने जरूरी है। अगर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कतें आएंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेम। फ्लोराइड, देखो इन्हें याद कर देगा, मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर कोई लीगेंड ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो नेम है लीगेंड की तरह जब उसका नाम आप लिखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसमें ओ आपको लगाना है, ओ सफिक्स यूज करना है। कैसे, फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नेगेटिव, ठीक है, एफ लिखा आ जाएगा, एफ नेगेटिव भी नहीं लिखाएगा तो क्या लिखा आ जाएगा, एफ लिखा आ जाएगा, लेकिन हम इसे एफ नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्लोराइड है एफ नेगेटिव होता है, उसका चार्ज क्या है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है माइनस वन आएगा चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। और मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या लगाना है आपको, ओ लगाना है, डेंटिसिटी होती है इसकी यूनिडेंटिक, यानी कि ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाए ना इसमें। फिर है क्लोराइड सीएल नेगेटिव माइनस वन, क्लोराइड यूनिडेंट, ब्रोमाइड आई सॉरी बी आर नेगेटिव माइनस वन, ब्रोमाइड आयोडीन आयोडाइड आई नेगेटिव माइनस वन आयोडाइड
ऑक्साइड O2 नेगेटिव ऑक्सो परऑक्साइड O2 नेगेटिव परऑक्सो सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव -1 सुपर ऑक्सो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव -1 हाइड्रोक्सो। नोट डाउन कीजिए जल्दी। इसे पॉज करके आप कर सकते हैं नोट डाउन। फिर उसके बाद हाइड्राइड H नेगेटिव -1 हाइड्राइड सल्फेट सल्फेटो जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उन्हें मैं एक साथ लिख रहा हूं जिससे कि नेगेटिव वाले एक साथ हो जाए न्यूट्रल एक साथ हो जाए पॉजिटिवली चार्ज वाले एक साथ हो जाए और डेंसिटी भी ज्यादातर सभी क्या आ रही है तो बनी आ रही है। कोशिश ये रहेगी कि आपको एज एड सभी मैं करवा दूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई एक आध रह जाएगा तो हम उसे बाद में लिख लेंगे। ये लिगेंड दोनों की तरह ही काम कर सकता है लेकिन फिलहाल 11 12th में तो ये बॉन्ड एंटिटी की तरह काम करेगा। नाइट्राइड की दो केस होते हैं, एक होगा NO2 और एक होगा OH। इसे क्या कहेंगे हम नाइट्राइड टू N। मैं कल आपको बता चुका हूं कि नाइट्राइड को कब लगाते हैं और एम्पिडेंटेड लिगेंड आपको याद होंगे। बाकी जब नॉर्मल के लेक्चर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें इसमें करनी है, मतलब किस तरह से नाइट्राइड को N लिखना तो नाइट्राइड को O लिखना। कल मैंने थोड़ा सा आपको दिया भी था इसके बारे में, ये सभी कैसे लिगेंड चल रहे हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड आप पढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको बताया भी था कि इसमें नाइट्राइड टू एन है और नाइट्राइड टू ओ कब लेते हैं, जब ये
एन से अटैच होगा लिगेंड तो उसे नाइट्राइड टू एन कहेंगे, अगर ओ से अटैच होगा तो उसे नाइट्राइड टू ओ कहेंगे। लिख लिया ये हो गए, पॉज कर भी कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट वन पे आ गया हूं, एस सी एन एन सी एस थायोसाइनेट, इसे कहते हैं आइसो थायोसाइनेट। चार्ज का रहेगा माइनस वन ऐसे होता है। नेम एज ए लिगेंड, फिर मैं बता देता हूं थायोसाइनेटो क्या लिखना आपको, एस लिखना है जब एस की साइड से अटैच रहे, क्योंकि ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका क्या आ जाएगा अगर ये किसी साइड से अटैच है, नाइट्रोजन साइड से, डेंसिटी कितनी आएगी वन, या आप क्या कह सकते हो अभी तक यूनिडेंटेट लिगेंड ही चले हुए। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया इसमें, हाइड्राइड पढ़ लिया, हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, थायोसाइनेट साइनाइड पढ़ सकते हो, सी एल साइनाइडो, आइसोसाइनाइड, एनसी आइसोसाइनाइडो, तो हैलोजन्स के सभी लिगेंड्स मैंने आपको बता दी थी, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और नाइट्रोजन वाली फैमिली में सबने ज्यादातर कर ली, कुछ रह गए जैसे कि अमाइड एनएच टू नेगेटिव, एमाइड एनएच टू नेगेटिव, इसका नाम क्या आएगा अमाइडो, इसका नाम क्या आएगा एमाइडो, दोनों ही कैसे लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड। साइनेट सी एन ओ नेगेटिव, साइनेटो आइसोसाइनेट एनसीओ नेगेटिव, आइसोसाइनेट। अब बहुतों के माइंड में चीज आ रही है सर ये दोनों एमिडेंटेड लिगेंड है, तो क्या हम इन्हें साइनाइटो ओ नहीं ले सकते या साइनाइटो एन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो इन्हें, आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, दोनों ही क्या है सही तरीके, तो इसे नोट डाउन करिए जल्दी से।
फिर अगर आगे हम बात करते हैं कार्बोनेट माइनस टू कार्बोनेटो कार्बोनेटो डेंसिटी कितनी आएगी माइनस टू। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, ये टेबल आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अगर याद कर रखी है तो आप भी इसे याद कर सकते हैं। अगर हम आगे लिगेंड्स की बात करते हैं अमोनिया, देखो एक चीज और याद रखनी है कि कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, इसकी डेंसिटी कितनी आएगी, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट कह सकते हो। अमोनिया जैसे मतलब कि आपको याद रखना है कोई जो लिगेंड आपको दे रखा है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है और कौन सा क्या है। वाटर वाटर को यार एक्वा कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर इसे कहेंगे कार्बन है। मिथाइल अमाइड इसे यहां पर मिथाइल अमाइड कहते हैं। पायरिडिन इसे यहां पे भी पायरिडिन के कुछ को छोड़ करके बाकी सब जो लिगेंड होते हैं अगर न्यूट्रल है तो जैसा उसका नाम सिंपल नेम है वैसे उसका क्या हो जाएगा, नेम एज ए लिगेंड। नोट डाउन कीजिए, और यहां पे CH3 NH2 लिख लेना, उसे NH3 लिख लेना, CH3 NH2 है ये, NH3 नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, यूरिया हुआ, फॉस्फिन हुआ, C6H6 NH2CO NH2। PH3 000 इसका नाम यहां पर बेंजीन ही रहेगा, इसका नाम यहां पर यूरिया ही रहेगा और इसका नाम यहां पर भी फॉस्फिन ही रहेगा। डेंटिसिटी क्या रहेगी इसकी, डेंटिसिटी का पता नहीं चलता कितनी हो सकती लेकिन हम मारे चल रही यूनिडेंटेट की तरह ही काम कर रहा है क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि किसी की डेंटिसिटी ज्यादा भी हो सकती है और ये बाइडेंटेट की तरह काम करता है, ये मोनोडेंटेट की तरह काम, ये यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गए न्यूट्रल लिगेंड, और भी कुछ ले सकते हो आप, इथेन 1,2-diamine इसे हम EN से नोट करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा जीरो, यहां पे भी इसे क्या लिखेंगे आप, इथेन 1,2-diamine। और ये कैसे लिगेंड होता है, बाइडेंटेट, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें इसकी।
तो ये आपने लिख लिए होंगे। अब ये बहुत सारे लिगेंड रह रहे हैं, जैसे कि ग्लाइसिनेट NH2CH2CO नेगेटिव माइनस वन, इसे कहते हैं ग्लाइसिनेट। और ये कैसे लिगेंड होता है? बाइडेंट। फिर डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सेन, इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म डीएमजी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? माइनस वन चार्ज रहेगा इस पे, बाइडेंटिटी लिगेंड होता है। इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल, इसे कहते हैं ग्लाई ऑक्सीमेट। तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा इसका? डाइमिथाइल